हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं देखिए ये सिंगल कलर पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा पैटर्न है, बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे आप लेडीज स्वेटर में बनाएं या फिर बच्चों के स्वेटर में बहुत सुंदर बन करके आता है। तो इस पैटर्न को हम 12 फंदे पर बनाते हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 15 फंदे 15 स्टिचेस डाल रखे हैं जिन पर हम पैटर्न बनाएंगे। राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट रो कैसे बुनते हैं। पहला फंदा, ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा। अब हम अगले 11 फंदों पर पैटर्न को बनाएंगे। एक हमने उसमें से उल्टा बुन लिया, 12 में से एक उल्टा। अब अगला 11 कैसे बुनना है देखिए। 1 2 3, 3 सीधा, 2 फंदे एक साथ आगे की तरफ से। ये 2 फंदे, ये देखिए आगे की तरफ से हम बुनेंगे। 2 फंदे एक साथ बुनने के बाद उस ऊन अपनी तरफ और एक सीधा, यहाँ पर जाली बन जाएगा। फिर से जाली बनाने के लिए ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे एक साथ, लेकिन इस बार पीछे की तरफ से। इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से बुनेंगे और ऊन आगे रहेगा। इसके बाद 3 सीधा, 1 2 3। कैसे हमने बनाया देखिए। एक किनारे का फंदा, एक उल्टा, उसके बाद 3 सीधा, 1 2 3। 2 फंदे एक साथ, जाली बनाकर एक फंदा सीधा, फिर से जाली बना करके 2 फंदे एक साथ, ये सीधा है, 2 फंदे एक साथ सीधा, लेकिन इस बार हम पीछे की तरफ से बुनेंगे। और उसके बाद फिर 3 फंदे सीधा, 2 फंदे ये किनारे बच रहे हैं, इसे एक उल्टा बुन लेंगे और ये एक सीधा। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट। सेकेंड रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए कैसे हमारे फंदे हैं, जो जिस तरह से हैं वैसे ही बुनेंगे। ये सीधा फंदा, ऊन अपनी तरफ, अब 11 फंदे उल्टे हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे उल्टे, एक फंदा फिर से सीधा और ये हमारा किनारे का फंदा। ये 2 लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड रो राइट साइड। पहला फंदा हम फिर से स्लिप करेंगे और ये उल्टा फंदा भी बुन लेंगे। अब देखिए पिछली बार हमने 3 सीधा बुना था, उसके बाद 2 फंदे एक साथ, इस बार 2 सीधा बुनेंगे। 1 2 और 2 फंदे एक साथ आगे की तरफ से। और यहाँ पर हमने जाली बनाई थी, तो इस बार भी हमें यही जाली बनाना है। एक एक्स्ट्रा फंदा बच रहा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद जाली बनाते हुए इस फंदे को सीधा बुनेंगे। ऊन आगे, फिर से ऊन आगे, जाली बनाते हुए एक सीधा। अब हम 2 फंदों को एक साथ, लेकिन पीछे की तरफ से। ये देखिए पीछे की तरफ से ऐसे, और जाली भी बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक सीधा और तब फिर 2 सीधे एक साथ। 2 फंदे सीधा बचे हैं, एक उल्टा सीधा। फोर्थ रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक सीधा और उसके बाद 11 उल्टे फंदे। तो 11 उल्टे फंदे बुन लेते हैं, एक सीधा और ये लास्ट का फंदा। 4 लाइन हमने कंप्लीट कर ली। फिफ्थ रो राइट साइड। फिफ्थ रो की बुनाई करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है, उल्टा फंदा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सीधे फंदे हैं और ये वाला 2 फंदा जो हमने एक साथ बुना था, इसमें से एक फंदा हम बुनेंगे सीधा और ये 2 फंदे एक साथ आगे की तरफ से।
आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने शुरू में तीन फंदे एक साथ, सॉरी एक एक करके बुने थे, और उसके बाद दो फंदे एक साथ, फिर उसके अगले लाइन में हमने दो फंदे एक एक करके बुने और दो फंदे एक साथ। अब यहाँ पर एक फंदा हमने सीधा बुना, दो फंदे एक साथ, जाली हमें यहाँ पर बनानी है यहाँ पे, तो ये दोनों फंदे सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे। हमेशा ये एक सीधे फंदे के इधर और इधर जाली बनेगी, जाली बनाकर सीधा बुन लेंगे, फिर से जाली बनाकर एक सीधा और ये दो, दो सीधा हमने बुन लिया। अब दो फंदे एक साथ पीछे की तरफ से एक सीधा, ये उल्टा फंदा और ये लास्ट का फंदा। ये हमने पांच फंदे पांच लाइन कंप्लीट कर ली, सिक्स रो रॉन्ग साइड। हर बार ऐसे ही बुना जाएगा, एक सीधा और 11 उल्टा। सेवेंथ रो राइट साइड, सेवेंथ रो राइट साइड की बुनेंगे, एक फंदा उतार लिया हमने, एक उल्टा। अब कोई भी फंदा यहाँ पर सीधा नहीं बुनेंगे, सीधे दो फंदे एक साथ, ये देखिए इस तरफ से आगे की तरफ से, और यहाँ पर बुनेंगे तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, और उसके बाद जाली बनाएंगे इस वाले फंदे के आगे भी और पीछे भी। तो ये हमने आगे बना लिया जाली, अब बनाएंगे पीछे और बुनेंगे वन टू थ्री। जाली देखिए, जाली बनाने के बाद तीन फंदे सीधे, और ये इधर तीन फंदे सीधा बुनने के बाद जाली, अब दो फंदे एक साथ लेकिन पीछे से, और ये उल्टा। सेवेंथ रो हमारी कंप्लीट, एट्थ रो हर बार की तरह बुन लेंगे, जैसे हमने दूसरा पांचवा बुना था वैसे ही, यानी कि एक सीधा और 11 उल्टा के मल्टीपल पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये 11, 11 उल्टा, फिर से उन पीछे की तरफ एक सीधा और ये लास्ट का फंदा। तो ये 8 लाइन हमने कंप्लीट कर ली, और देखिए हमारा पैटर्न भी कितना सुंदर सा बन करके तैयार हो गया। ये देखिए कितना सुंदर सा पैटर्न है। आप इसे लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में बनाएंगी, या फिर बच्चों के स्वेटर में थोड़े डार्क कलर से, तो आप यकीन करें आपको स्वेटर बहुत सुंदर बन करके आएगा। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है, और बनाना तो इसे आसान है ही। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो या फिर पैटर्न पसंद आया हो। अपने फ्रेंड्स के साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करें, और देखते रहिए मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।